आज श्री जायसवाल सभा कानपुर के द्वारा मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। लगभग 10 वर्षों से लगातार ये भंडारा बारा देवी के पास श्री जायसवाल सभा द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर आर बी जायसवाल अध्यक्ष ने बताया, इस तरह के कार्यक्रम संस्था के द्वारा समाज हित के लिए करते रहते हैं, चाहे वह शादी हो या फिर समाज में निर्धन लोगों की मदद करना आदि। आज भंडारे में तकरीबन 2000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से डॉक्टर आर बी जायसवाल अध्यक्ष, गया प्रसाद जायसवाल महामंत्री, श्रीमती राधा जायसवाल, रामू जायसवाल, मुकेश जायसवाल, किशन जायसवाल, योगेंद्र जायसवाल, हरी जायसवाल, सुरेंद्र जायसवाल, सुरीद जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। पहले अपना परिचय देते हुए यहाँ पे जो आज भंडारे का आयोजन हो रहा है इसके बारे में बताइए। कौन सा? डॉक्टर आर बी जायसवाल, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूँ और श्री जायसवाल सभा कानपुर का अध्यक्ष हूँ। तो और ये हम लोग समाज के लिए कुछ अपना भंडारा पिछले 10-12 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं और भी कार्यक्रम हमारे होते रहते हैं। हमारे सभी जायसवाल बंधु लोग जो है इकट्ठे होते हैं और हमारे मोहल्ले के लोग भी सब आते हैं। इसमें से कोई किसी का मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ केवल हम अपने जायसवाल लोग ही हैं, हमारे पूरे मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे होते हैं और सभी लोग अपना इसमें भंडारे में खिचड़ी का वितरण करते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और भी हम लोग करते रहते हैं इसमें जायसवाल सभा के माध्यम से। तकरीबन कितने लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे आज? करीब हमें लगता है कि मतलब 1000 आदमी के ऊपर ही लगभग प्रसाद ग्रहण करेंगे लोग। अभी जैसा कि आपने देखा कि भंडारा चल रहा है, लगातार लोग आते जा रहे हैं, अभी पीक पे बिल्कुल हैं। तो धीरे धीरे से हम लोग ऐसे ही प्रसाद वितरण शाम तक करते रहेंगे, जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी तब तक चलता। इसके अलावा भी कोई कार्य करते हैं समाज के लिए? जी भाई साहब, हम लोग शैक्षिक कार्यक्रम भी करते हैं, चिकित्सा के शिविर लगाते हैं, साथ में अपने जो विवाह योग्य युवतियाँ जो परिचय सम्मेलन वगैरह कराते हैं, साथ में अपने विवाह सामाजिक जो है सामूहिक विवाह भी कराते हैं। तो समाज के हित में ऐसे हम लोग तो विभिन्न कार्यक्रम करते हैं, वृक्षारोपण किया है हम लोगों ने, ऐसे कई कार्यक्रम जो समाज के हित में हैं और कुछ जागरूकता की रैलियाँ निकालते रहते हैं जो कुछ समाज को जागरूक करने के लिए भी हम लोग अपना जो है उससे योगदान देते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? समाज को ये संदेश देना है, कोई भूखा ना रहे, सभी की मदद करनी चाहिए, जैसा कि हमारे माननीय मोदी जी कर रहे हैं, सभी को अन्न जो है मिलना चाहिए। हम लोग भी इसी जो है फंडे को अपना लागू करते हुए कोशिश करेंगे कि हर एक को जो है भोजन वितरण करें।